गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह सुरक्षित होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 5 का इंग्लिश का थर्ड लेसन, फ्लाइंग टुगेदर। हम इसके 3 पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पार्ट 4। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम। शाम के समय जो जंगली बत्तख थे वो घर वापस पहुंचते हैं। आपने जैसा देखा कि जो शिकारी था वो अपना जाल बिछाकर चला गया था। उसने बोला था कि जैसे ही वो आएंगे पक्षी और उसके अंदर फंस जाएंगे। दे डिड नॉट नोटिस द नेट। उन्होंने नेट को यानी कि जाल को उस पर ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पर किसी ने जाल भी बिछाया है। एज दे फ्लू इन टू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, यानी कि जैसे ही वे उड़कर वहाँ आए, कौन? पक्षी। दे वर ट्रैप्ड, वे जाल में फंस गए। दे स्ट्रगल्ड, उन्होंने क्या किया? मेहनत की। क्या की? बाहर निकलने की। उन्होंने दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, उन्होंने बाहर निकलने के लिए कड़ी मेहनत की, बहुत कोशिश की उन्होंने बाहर निकलने की नेट से, लेकिन बट कुड नॉट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिए हैं मैंने, आप उन वर्ड्स मीनिंग को लिख लेंगे और उनको लर्न करेंगे। जैसे रिटर्न है, रिटर्न्स मीन्स लौटना, ठीक है, और नोटिस, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, और उसके बाद है ट्रैप, ट्रैप मीन्स जाल में फंसना। ये सब आपने वर्ड मीनिंग लिखने हैं और इनको आपने लर्न भी करना है। तो आगे हम करते हैं इसका नेक्स्ट पेज। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज। जो बत्तख थे वो चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाने लगे? कि हमारी सहायता करो, हमारी मदद करो। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट। हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओ व्हाट शैल वी डू। अब हम क्या करें? तो जो शिकारी यानी कि हंटर अपना नेट बिछा के गया था, उस नेट के अंदर वो सभी के सभी फंस जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? डोंट मेक ए फस नाउ। अब इतना बड़ा तुम हंगामा जो कर रहे हो, ऐसा मत करो। सैड द वाइज ओल्ड बर्ड। बूढ़े बुद्धिमान पक्षी ने कहा कि अब आप इतना हंगामा क्यों खड़ा कर रहे हो? लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। काफ़ी समय पहले मैंने तुम्हें इस बेल को नष्ट करने के लिए कहा था, बट यू डिड नॉट, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। नाउ सी वट हैज हैपन्ड। अब देखो क्या हो गया है। टमोरो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। टुमारो यानी कि आने वाला कल, यानी कि जो कल सुबह होगी, हंटर विल कम, हंटर आ जाएगा बैक वापस, एंड किल अस, और हमें मार देगा, ऑल सभी को। तो कल सुबह शिकारी वापस आएगा और हम सबको मार देगा। तो इसमें नीचे मैंने वर्ड मीनिंग लिखे हैं, ये आप सब लिख लेंगे और याद करेंगे। तो इसमें जो पक्षी कहते हैं, जो वृद्ध पक्षी था, वो कहता है कि अब हंगामा खड़ा करने की तुम जो कोशिश कर रहे हो वह व्यर्थ है। क्यों है? क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि जो ये छोटी बेल है इसको नष्ट कर दो, क्योंकि यह हमें एक दिन नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन आप लोगों ने मेरी बात को नहीं माना और देख लो आज क्या हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? वी वर फुलिस। हम मूर्ख थे। वेप द बर्ड्स। पक्षी ऐसा कहकर रोने लगे। वी आर वेरी सॉरी। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। वी डिड नॉट लिसन टू यू। हमने आपकी बात को नहीं सुना। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू। कृपया हमें बताएं कि अब क्या करें। इस प्रकार जो पक्षी थे वो अपनी गलती का एहसास उन्हें होता है कि उन्होंने बड़ों का कहना नहीं माना। जो वृद्ध पक्षी था वो उन सब में बड़ा था, और बड़े हमेशा अच्छी बातें ही कहते हैं, हमें उनकी बात माननी चाहिए। तो इस प्रकार जो पक्षी थे उन्होंने वृद्ध व्यक्ति की, यानी कि बुद्धिमान जो पक्षी था,
उसकी बात को नहीं माना और आज ये दिन था कि वो जाल में फंस गई है और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो बच्चों आज हम लेसन को इतना ही करेंगे, उसके बाद हम फिफ्थ पार्ट लेकर आपके सामने जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।